हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री मैं देविंदर सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम टू अवर करंट अफेयर एनालिसिस शो सिद्धू टॉक्स आई होप बच्चे आप सब होंगे बढ़िया और सब स्वस्थ होंगे लो जी आशुतोष वेरी गुड मॉर्निंग नीरू भारती हर हर महादेव अभिजीत गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और 10 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स दैनिक समाचारों को कंप्लीट करने के लिए हम आपके सामने पेश हो चुके हैं और इस सेशन को कंप्लीट करेंगे बढ़िया ढंग से स्ट्रेटेजी के साथ में करेंगे रिविजन करेंगे जी के जी एस करेंगे और साथ में करेंगे एम सी क्यू रिवाइज जैसे हमने कल करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किए थे उसी तरह हम आज फिर से वही करेंगे सो so, वही हमारा जो पैटर्न रहेगा और हम मजे से इसको कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है जी सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय माता रानी पप्पू चौहान जी पप्पू चौहान जी आप रोज आया करो ना यार कभी कभी क्यों आते हो कोमलप्रीत कौर वेरी गुड मॉर्निंग कोमलप्रीत कौर जी को भी मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे और जोश्री मंडल जी गुड मॉर्निंग विनस पलयाल सभी को प्रणाम लो जी स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को बच्चे एंड वी स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट डेज जो 10 अप्रैल को आए हैं उससे स्टार्ट करेंगे और 10 अप्रैल को हम मनाते हैं जी वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जिसके फादर थे पितामा थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उनकी याद पर जो कि फाउंडर है होम्योपैथी की उनकी याद में हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं दस अप्रैल को और इस दिन हम जो है आ, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों में जो है इसकी इस चीज़ की होम्योपैथी की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं कि भाई होम्योपैथी बहुत ज़रूरी चीज़ है और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कैसे आप इसको एज एन अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं एलोपैथी के क्योंकि होम्योपैथी के बच्चे आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बट इसके जो रिज़ल्ट है थोड़ी देर में आते हैं एज़ कंपेयर टू एलोपैथिक जिसके रिज़ल्ट जल्दी और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होम्योपैथी के क्या होते हैं बच्चे कि इसके साइड इफेक्ट्स कम असर बाद में सो so ये इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम जो है दिन मनाते हैं जी वर्ल्ड होम्योपैथी डे किसके याद में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन स्टैटिक जी के परस्पेक्टिव से याद है याद रखना पूछा जा सकता है कि कौन है पितामा होम्योपैथी का डॉक्टर सैमुअल हैनेमन और इस साल इन्होंने विषय यानी कि थीम क्या रखा है बच्चे इनहेंसिंग रिसर्च सॉरी एम्पावरिंग रिसर्च इनहेंसिंग प्रोफिशेंसी होम्योपैथिक सिंपोजियम ऐसा इन्होंने यहां पे आज विषय रखा है अनुसंधान को सशक्त बनाना दक्षता बढ़ाना एक होम्योपैथिक संगोष्ठी है सो दिस इज द थीम बच्चे इस साल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की पहली इंपॉर्टेंट डेज वाली न्यूज आपकी समाप्त होती है अब हम आगे चलते हैं आगे बात करते हैं बच्चे हम एक और इंपॉर्टेंट डे की जो संबंधित है सीआरपीएफ के साथ सीआरपीएफ बच्चे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ अप्रैल हर साल नाइन्थ ऑफ अप्रैल हर साल क्या मनाती है वलोर डे या फिर इसको ब्रेवरी डे भी बोल सकते हैं वलोर डे भी बोल सकते हैं क्योंकि 9 अप्रैल 1965 का वो दिन था जब पहली बार किसी पैरा मिलिट्री फोर्स ने जब पहली बार किसी पैरा मिलिट्री फोर्स ने मेरे मित्रों पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था 1965 में जिसमें उन्होंने 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया था एज अगेंस्ट हमारे सिक्स इंडियन जो हैं सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तो उस दिन की याद में 1965 की डे डे मनाया मनाया जाता जाता है, ब्रेवरी जाता है ब्रेवरी सीआरपीएफ का बच्चों याद रखेगा इस बात को और जी सो ये बच्चे हमारा जो है यहाँ पे समाप्त होता है उसके अलावा जीके के परस्पेक्टिव से याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसका बच्चे गठन स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1939 में जिसका हेडक्वार्टर है कहां पे दिल्ली में जिसके डायरेक्टर जनरल हैं कौन ये आप मेरे को बता दीजिए चलो मैं ही लिख देता हूं अनिश दयाल सिंह अनिश दयाल सिंह इसके क्या हैं बच्चे डायरेक्टर जनरल हैं आपको याद रखना है ये स्ट्रेटेजी के, के परस्पेक्टिव से और ये नजरिए से आपको स्ट्रेटेजी के नजरिए से यह सारा कुछ या, याद रखना जरूरी है और इनका मोटो भी याद रख लेना मोटो क्या है सर्विस एंड लॉयल्टी सर्विस एंड लॉयल्टी इनका जो है मोटो है मोटो बच्चों सीआरपीएफ याद रखिएगा डे हमारा मनाया जाता है नौ अप्रैल को लो जी उसके बाद अब मेरे को विलोर से मेरे को याद आ रही है एक चीज आप मेरे को बताएंगे स्टैच्यू ऑफ विलोर स्टैच्यू ऑफ विलोर ये कहां पर बना है और किसके किसको संबोधित किया गया है इस स्टैच्यू को लो जी, so आपके लिए क्वेश्चन है यहां पे स्टेच्यू ऑफ बिलोर अभी रिसेंट टाइम में ही बनाया गया है किसको संबोधित किया गया है बताइए जी नवजोत कौर वेरी गुड मॉर्निंग बच्चो क्या बात है साहिल हसन बहुत बढ़िया असम में बनाया गया है जी स्टैचू ऑफ बिलोर किसको संबोधित किया गया है बच्चों बताइए जिसका नाम है बीर लचित बारफुकम बीर लचित बारफुकम 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 बच्चे हमारे ये जो है जर्नल थे अहोम किंगडम के अहोम किंगडम जो था हमारा असम का किंगडम था जिन्होंने सोलह में एक लड़ाई लड़ी थी बच्चे मुगल्स के खिलाफ और मुगल्स को हरा दिया था अंडर द जर्नलशिप ऑफ बीर लचित बोरफुकम उसका नाम था बैटल ऑफ समुगढ़ बैटल ऑफ समुगढ़ उसमें उन्होंने इनको हरा दिया था मुगल्स को और उनकी याद में ये बुत लगाया गया है बच्चे याद रखेगा स्टैचू ऑफ वलोर बीर लचित बोरफुकम से मेरे को याद आया तो मैंने सोचा रिवाइज करवा देते हैं है ना जी शामाशी बहुत बढ़िया लो जी मेरे मित्रों सो ये भी न्यूज आपकी यहां पे समाप्त हो जाती है विद हमारी सारी जो है रिवीजन। अगली हम कैटेगरी पर चलते हैं बच्चे और अगली कैटेगरी आ रही है हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी करंट अफेयर्स 10 मार्च दस अप्रैल मार, को आए हैं वो सारा कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम जो कल के करंट अफेयर हैं जो हमने रिवाइज करने हैं वो भी साथ में ही होगा लो जी, इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो सबसे पहली न्यूज आ रही है उसमें भारत रशिया और चाइना की बात की जा रही है ये है जी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ये है व्लादिमिर पुतिन हमारे रशिया के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं सो so, न्यूज क्या है न्यूज ये है कि जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था हमारे रशिया ने उसके बाद रशिया से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था

बट ये जो है अब खत्म हो गया क्योंकि अब चाइना नंबर वन पर पहुंच गया चाइना ने इंडिया को क्रॉस कर दिया है नंबर क्रूड ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम रशिया लो जी चाइना मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से इंडिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है बच्चे ऐसी पुष्टि कर रहा है एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा उन्होंने अपनी रिपोर्ट लॉन्च करी उन्होंने ये बताया है उसमें बोले कि चाइना कम से कम 18 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रशिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है जबकि हमारा भारत कर रहा है तेरह लाख के करीब बैरल्स पर डे ठीक है जी सो so ये न्यूज आपको याद रखनी है कि इंडिया अब लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल नहीं रहा रशिया से चाइना ने उसको ओवरटेक कर लिया इंटरनेशनल न्यूज की पहली न्यूज उसके अलावा बच्चे ये है मैप्स रशिया की कैपिटल है मॉस्को चाइना की कैपिटल है बीजिंग ये आप सभी को पता है और रशिया की करेंसी क्या है भाई रशिया की करेंसी है बताओ और चाइना की करेंसी क्या है युआन भी बोल देते हैं इसको और इसको रेनमिम्बी भी बोल देते हैं रेन मिम्बी रेनमिम्बी भी बोल देते हैं युआन भी बोल देते हैं और रशिया की करेंसी है रुबेल रशिया की क्या है रुबेल। अच्छा रशिया में हम पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हमारे पार्लियामेंट को रशिया वाले अपने पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं स्ट्रेटेजी के परस्पेक्टिव से आपसे क्वेश्चन है लगाओ आंसर इसका क्या आएगा बताओ जी वेरी गुड क्या बोलते हैं ड्यूमा ड्यूमा बोलते हैं बच्चे याद रखेगा अच्छा डाइट कहां पे बोलते हैं कौन सी कंट्री है जो कि अपने पार्लियामेंट को डाइट बोलती है वो कौन सी है बच्चे डूंगा तो आपने बता दिया जापान शाबाश क्या है जी जापान जापान वाले क्या बोलते हैं कि ये डाइट है लो जी सो so ये भी हमारा हो गया सिंपल स्ट्रेटिकी के परस्पेक्टिव से चीजें हो गई हैं अगली करंट अफेयर की न्यूज पर चलते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की है सो so इसका नाम बंदे का क्या है बच्चे ब्रिटेन का ये बंदा है इसका नाम है रसकुक क्या नाम है इसका कुक और इसको नाम से किस नाम से फेमस है फेमस है किस नाम से हार्डस्ट गीजर हार्डस्ट गीजर के नाम से ये बंदा फेमस है और इस बंदे ने भाई बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है भाई फर्स्ट पर्सन बन गया है अफ्रीका को पार किया है इसने भागकर कम से कम इसको तीन दिन लगे हैं 350 डेज इसको लगे हैं यहां से साउथ अफ्रीका से इसने स्टार्ट किया था भागता गया वेस्टर्न कोस्ट पर पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी तट से भागता गया भागता गया सैनिकल जैसी कंट्रियों से निकला सहारा रीज़न पास किया जाता जाता फिर टूनिशिया में नापोगे तो सत्रह हजार किलोमीटर इसने भागा है और तीन सौ बावन दिन इसको लगे हैं मेरे मित्रों और नाम है इसका रस कुक रस कुक जिसने भाई जो कि फेमस है किस नाम से हार्डेस्ट गीजर और पहला पर्सन बन गया है भाई अफ्रीका को पूरा भाग कर पार किया है भाई इस बंदे ने 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 रस कुक हार्डेस्ट गीजर ने याद रखिएगा बच्चे ये न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर की ठीक <coughs> है चलो अब हम आगे चलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहां पर मैंने पोलिटिकल मैप डाल दिया है यहां पर इसको पढ़ लीजिएगा बच्चे अच्छे ढंग से देख लीजिएगा कौन सी कंट्री कहां पर है बहुत बढ़िया अगले न्यूज पर चलते हैं और यहां पे आया है एक जिक्र फिर दोबारा से किसका सितवे का म्यांमार का एक पोर्ट है बच्चे जिसका नाम है सितवे पोर्ट सितवे पोर्ट और सितवे पोर्ट हमारे भारत ने अच्छे ढंग से अक्वायर कर लिया है और अब ये हमारा भारत का सेकंड ग्लोबल पोर्ट है जिसको ऑपरेट कर रहा है हमारा इंडिया इंडिया ने इसको करने के लिए ना एक ग्लोबल कंपनी भी बनाई है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इन्होंने ये कंपनी बनाई है ये जो कंपनी है बच्चे ग्लोब में हमारे विश्व में जो पोर्ट जो इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं उनको ऑपरेट करते हैं इंडिया थ्रू दिस लिमिटेड कंपनी है ना तो इसके जरिए इन्होंने सितवे को अक्वायर कर लिया उसको ऑपरेट अब भारत करेगा यानी कि सेकंड है ये सेकंड है यानी कि को कोई पहला भी तो होगा कोई पहला पोर्ट भी तो है जिसको भारत ऑपरेट कर रहा है और वो पहला पोर्ट कौन सा है बच्चे आप मेरे को बताएंगे वो ईरान का पोर्ट है अब तो आपको पता लगी गया होगा ईरान का पोर्ट है जो कि भारत से बाहर का पोर्ट है पर ऑपरेट हमारा भारत कर रहे हैं और क्या नाम है उस पोर्ट का मिनट से पहले बताइएगा बच्चे बहुत बढ़िया शाबाश बोलिए 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 वेरी गुड जी क्या है चबाहर पोर्ट चबाहर पोर्ट है बच्चे जो ईरान में है याद रखिएगा जो कि पहला पोर्ट है और सेकंड पोर्ट हमारा सितवे पोर्ट बन गया है सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को कि भाई इंटायर ऑपरेशन पोर्ट का अब हम हैंडल करेंगे जो कि कालादान रिवर के ऊपर बेस्ड है म्यांमार की प्रोविंस में लो जी सो ये है और पहला पोर्ट है हमारा चबाहर पोर्ट और चबाहर पोर्ट का नाम क्या है याद रखना आपसे कंफ्यूज कर सकता है शहीद बहेशती पोर्ट चबाहर पोर्ट की जगह पर एग्जामिनर आपको लिख देगा शहीद बहशती पोर्ट तो आप क्या करोगे भाई एक ही बात है इसका मतलब एक ही है चबाहर पोर्ट लिख दो शहीद बहस्ती पोर्ट लिख दो एक ही बात है आपको कंफ्यूजन करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जा सकता है याद रखना भाई क्या है मामला सो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के कंट्रोल में आ चुका है सितवे एंड शहीद बहस्ती पोर्ट लो मेरे मित्रों सो so ये जो पोर्ट था हमारा सितवे पोर्ट 500 मिलियन डॉलर की ग्रांट से हमारे आ, इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था और अभी इसका फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप भी रिसीव किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनिन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड हाईवेज जिनका नाम है वाटरवेज सॉरी जिनका नाम है सर्वनंदा सोनोवाल वालर लो जी सो so, अगर हम देखेंगे यहां पे ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका नाम था कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट मल्टी जो है मेरे मित्रों इसको हमारे भारत ने चलाया था बोलते कोलकाता से हम यहां पे शिप भेजा करेंगे भेजिए यहां से शिप और शिप भेजते बेचते सारा हमने कहाँ पे पहुंचता है वो सितवे पोर्ट पर पहुंचता है सितवे पोर्ट पर एक से एक रिवर चलती है जिसका नाम है कालादान रिवर कालादान रिवर पर ये सारा जो है हमारा जो कार्गो है इसको वाटर वे के जरिए लेके जाता है उसके बाद बचे हम मिजोरम के एजवाल तक इसको बाय हाईवे लेके जाते हैं हाईवे है हाई ना जी ताकि हमारा जो यहाँ पे चिकन स्नैक वाला कॉरिडोर है ना इसका एक अल्टरनेटिव रूट हमें भारत के पास मिल गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जाने का

जिनकी आयु है 111 साल और नाम है जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड जॉन जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड वर्ल्ड का न्यूएस्ट ओल्ड ओल्डेस्ट मैन बन गया है जी जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड याद रखिएगा बच्चे इस बात को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अब ये बन गए हैं वेनेजुएला का पर्सन जो था बच्चे वो तो उनकी तो डेथ हो गई थी ठीक है जी सो so ये न्यूज आपके यहां पे समाप्त हो जाती है सिंपल न्यूज थी अगली न्यूज आ रही है भाई इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है पर भारत के साथ लिंक है लिंक क्या है ये है हमारा कुतुब मीनार कुतुब मीनार में बचे हमने पूरी ये जो है बिल्डिंग को लाइट के साथ हमने इसको कवर कर दिया और ये जो लाइट्स देख रहे हो आप ये रवांडा के नेशनल फ्लैग का है अफ्रीकन कंट्री है रवांडा है ना उसका जो नेशनल फ्लैग में कलर्स हैं उसके कलर के यहाँ पे हमने जो है कलर के साथ इसको पूरा फिल्ड कर दिया क्यों ट्रिब्यूट दी है 1994 में एक बहुत तकड़ा एक जीनोसाइड कतलेआम किया गया था 94 में रवाडा में तो उसको ट्रिब्यूट दिया है हमारे इंडिया ने कुतुब मीनार के रंग से औ, रंगों से उसको कवर करके सो so, कुतुब मीनार को एलुमिनेट किया गया है इन रिमेंबरेंस ऑफ द रवाडा जीनोसाइड ऑफ 1994 इसके बारे में आपको बताऊंगा सात अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने एक डे मनाया था बच्चे याद रखना सात अप्रैल को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द नाइनटीन नाइनटी जो कि यह कतलेआम किया गया था रवांडा की माइनॉरिटी कम्युनिटी पर जिसका नाम था तुत्सी। ये जो कुतुब मीनार को हमने रंग में जो है भरा है वो उनका नेशनल फ्लैग है ठीक है जी 1994 में रवांडा में 100 दिनों का कतलेआम चला जिसमें इन्होंने भाई 8 लाख लोगों को कतलेआम कत्ल कर दिया गया उसकी कैपिटल की गाली में ये जो बच्चे कतलेआम किया गया था ना इनका एक एथनिक ग्रुप है हुतू जो कि मेजोरिटी है मजॉरिटी का ग्रुप है उन्होंने इस मेनोरिटी के ऊपर तुत्सी मेनोरिटी और हुतू के जो मॉडरेट लीडर थे जो लिबरल लीडर थे उनके खिलाफ हंडर डे कैंपेन चलाया और कम से कम आठ लाख लोगों को मार दिया भाई बहुत बड़ा नंबर है और सिर्फ एक ही कंट्री में बहुत छोटी कंट्री है रवांडा अभी आपको अफ्रीका का मैप दिखाऊंगा और उसमें से इन्होंने आठ लाख बंदों को मार दिया था ऑफ अप्रैल फोर तो उसकी रिमेंबर में यूनाइटेड नेशन ने एक दिन भी डेडिकेट किया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन आप ये देख रहे हो, Congo, युगांडा, ये पढ़ी है बच्चे आपकी छोटी सी कंट्री रवांडा रवांडा जिसकी कैपिटल है बच्चे हमारी फ्रैंक और जिसके प्रेसिडेंट है पॉल कगामे सो इतनी छोटी सी कंट्री 1994 में कतलेआम हो गया था इसकी कैपिटल में बच्चे इसकी वजह से कुतुब मीनार को रंगा गया है अब आप मेरे को यह बता दीजिएगा न्यूज तो समाप्त हो गई है कि कुतुब मीनार को किस आ, किस सूफी संत के नाम से बनाया गया किसकी याद में बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया दो सवाल हैं आपके हम आपसे मेडिवल हिस्ट्री के हिसाब से पूछ रहे हैं आ, ये बनाया गया था हमारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किसकी याद में बनाया गया है किसने बनाया है ये आपके लिए सवाल है बच्चे लगा दो आंसर बताओ जी वेरी गुड लगाओ आंसर क्या आएगा बच्चों? लो जी सबको सांप गया है वेरी गुड विधि श्रीवास्तव किसके द्वारा उन्होंने बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इसके द्वारा इसको बनाया गया था जो कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था, डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था किसकी याद में बनाया था बच्चे उसका नाम था कुतुब कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी, बक्तियार काकी, इनकी याद में यह बनाया गया था कुतुब मीनार दिमाग में फिट करके ठीक है जी शबाशी लो जी बच्चे सो ये भी न्यूज आपकी समाप्त हो जाती है सो हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बच्चे ही हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं बट अब हम पिछले कल के करंट अफेयर्स जो है रिवाइज करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल वाले थे लो जी आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई पहला 700 किलोमीटर हमारी धरती के नीचे एक मिला है सुपर ओशन पहला क्वेश्चन आपको यह बताना है भाई पहला क्वेश्चन कि ये जो मिला है भारत हमारी धरती की कौन सी लेयर में मिला है क्रस्ट में मिला है मेंटल में मिला है कि या फिर कोर में मिला है लो जी बताओ क्रस्ट में मिला है मेंटल में है कोर में मिला है और ऐसा कौन सा स्पेशलाइज्ड रॉक है जो कि इतनी लेयर में मिलता है जो कि पानी को स्पंज की तरह खींचता है ये दो सवाल है आप लगाओ इसका आंसर मैं आता हूं थोड़ी देर में मतलब थोड़ी देर में क्या एक मिनट में बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया सो so, पहला है बच्चे मेंटल मेंटल लेयर में ये मिलता है बच्चे हमारा सुपर ओशन मिला है और जो रॉक है जो जो स्पेशलाइज इधर ही मिल गया रॉक है है, रिंग वो रिंग वो rock है बच्चे जो हमें यहां पर मिली है, इस बात का ध्यान रखिएगा लो जी अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू पेरू कंट्री की कैपिटल कौन सी है ये बता दो इसका जिक्र हमने कल किया था जब इंडिया पेरू के अधिकारी हमारे भारत पर आए थे बोलते कि हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री ट्रेड करना है तो इसलिए इसका पेरू का जिक्र हुआ था आप मेरे को सिर्फ पेरू की कैपिटल बता दीजिए बस इतना ही बहुत है साउथ अमेरिकन ये कंट्री है बच्चे कैपिटल क्या है इसकी अच्छा लवप्रीत मैं एक काम कर लेता हूं बच्चे ठीक है शबाश बहुत बढ़िया सो आंसर क्या था इसका लीमा लो जी अगला सवाल करंट अफेयर इंटरनेशनल वाले में से ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाया है एक study, बनाया है एक स्टडी रिसर्च ग्रुप बनाया किसके लिए आ, लिए डिमेंशिया के और उस डिमेंशिया का जो ग्रुप बनाया है उसमें एक इंडियन डॉक्टर को भी इंडियन ओरिजिन डॉक्टर को भी इंक्लूड किया गया है उस इंडियन ओरिजिन डॉक्टर का नाम क्या है यह बता दो डॉक्टर क्या है उनका नाम बताओ बहुत बढ़िया क्या है अश्वनी डॉक्टर अश्वनी केशवम केशवम याद रखिएगा सो so, यहां पर हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर कल वाले रिवाइज हो गए हैं आज वाले हमने कवर कर लिए हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें जिक्र आ रहा है मेरे मित्रों पर्यावरण के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स का एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर के ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं अब हम एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड करंट अफेयर में आज क्या आया है बच्चों उसी के ऊपर बात करेंगे और कल वाले को रिवाइज़ भी कर लेंगे सो so, आज वाले करंट अफेयर में आया है एनवायरमेंट में एक एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम जिसका नाम है एच फाइव एन वन एच फाइव एन वन जो है जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं हम इसको और इसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं अभी हमने अभी हमने देखा था 2022 में हमने पहला केस देखा था अंटार्कटिका में कि भाई पेंगुइन्स को एच फाइव एन वन का जो है संक्रमण हो रहा है तो अब पुष्टि कर दी गई है कि भाई अभी रिसेंटली हमने देखा अंटार्कटिका में पांच पेंगुइन्स मर गए हैं और उनके पीछे जो कारण है वो क्या है यही है एच फाइव एन वन बर्ड फ्लू और ये बोला गया कि भाई ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड लाइफ में अग्रेसिवली फैल रहा है इसको अगर देखा जाए दे तो हम साइंस एंड टेक में डिजीज वाली कैटेगरी में भी न्यूज को डाल सकते हैं पर एनवायरमेंट के साथ भी डाल सकते हैं जी चलो जी सो so, पहला केस इन्होंने <coughs> तेजी से फैल रहा है और वाइल्ड लाइफ को खतरा है हमारे वायरस से सो so, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं बर्ड फ्लू भी बोलते देते हैं जो ज्यादातर बर्ड्स को ही अफेक्ट करता है और इसको कॉज है कारण है एक वायरस जिसका नाम है

बोलते कि ये खुँँ, खुँँ, बोलते कि एक नया स्ट्रेन आ रहा है इस एवियन इन्फ्लुएंजा का जिसकी मोर्टैलिटी रेट नब्बे प्रतिशत तक रहेगी तो बच के रहना ऐसा इन्होंने बोला है भाई शायद याद रखिएगा बच्चे सो ये न्यूज आपकी समाप्त होती है बच्चे एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड एक ही न्यूज आई थी उस पर अब मेरे को कल वाली न्यूज के बारे में बता दो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही ज्यादा चिंता जताई थी किसको लेके ग्लॉफ को लेके ये गुलाब की फुल फॉर्म क्या है ये मेरे को बता दो इतना आपको बताता हूँ फ्लड के साथ रिलेटेड है ग्लेशियर्स के साथ रिलेटेड है व्हाट इज द फुल फॉर्म ये आपके लिए बताइए बिल्कुल जी सिद्धू टॉक्स इन हिंदी चलेगा भाई हाँ हंड्रेड टाइम्स फेडलिटी रेट है कोरोना से भी ज्यादा बहुत बढ़िया रोहित कुमार जी क्या है ये लेक ग्लेशियल लेक, <coughs> <ग्लेशियल> लेक <coughs> आउटबर्स्ट फ्लड ठीक है जी ये था इसका उत्तराखंड की सरकार ने बहुत चिंता जताई थी कि भाई हमारे तो बथेरे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए हमारे तो इधर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं गंगोत्री ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं बोलते हैं क्योंकि हमारी जो है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती जा रही हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह से जो लेक्स बन रही हैं बढ़ती जा रही हैं और एकदम से फ्लड आता है डाउनस्ट्रीम पर डैम्स हैं घर है उनको बहा के ले जाता है सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कल की न्यूज याद रखिएगा बच्चे अगली कैटेगरी पर चलते हैं जहां पे हम करेंगे नेशनल न्यूज राष्ट्रीय लेवल की न्यूज जो 10 अप्रैल को आई है उसके बारे में जिक्र करेंगे और कल तो कोई आई नहीं थी नेशनल लेवल की न्यूज है ना तो कोई टेंशन नहीं है सो so, नेशनल लेवल की न्यूज पर जिक्र करते हैं पहली न्यूज पर जिसपे आई है बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सुविधा पोर्टल और यह सुविधा किसके लिए दी गई है हमारे लिए नहीं है यह सुविधा दी गई है पोलिटिकल पार्टीज के लिए <coughs> पोलिटिकल पार्टीज के लिए यह सुविधा दी गई है बोलते कि पोलिटिकल पार्टीज को बहुत सारी परमिशन लेनी होती है जैसे उनको डोर टू डोर डोर टू डोर अपना जो है डोर टू डोर उन्होंने अपना आ, क्या करना है उसको क्या बोलते हैं कैनवेसिंग बोलते हैं

इन्होंने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सुविधा पोर्टल सिंपल न्यूज इतनी समाप्त हो जाती है पोलिटिकल पार्टी के लिए बच्चे याद रखेगा बहुत इतनी सी है बच्चे न्यूज इसमें और कुछ नहीं है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तो लॉन्च कर दिया अब सुविधा से मेरे को याद आ रहे हैं कि भाई हमारे जो स्मृति ईरानी जी हैं स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जी ने जो कि ऑब्वियसली हमारे मायनॉरिटी मंत्रालय के मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हज जाते हैं हज करते हैं मुस्लिम्स उनके लिए एक ऐप लॉन्च करी थी उसका नाम क्या है आपके लिए सवाल है बच्चे बताइए हिंट आपको मिल चुके हैं आपको आंसर इसका आना चाहिए क्या था उसका नाम एक्सटेंडेड लाइन ऑफ साइट मेथडोलॉजी शबाश विधि हज सुविधा क्या नाम था उसका हज सुविधा हज सुविधा ऐप है ना जी इस बात को दिमाग में बिठा के रखना शाबाश चलो जी तो ये भी आपका जो है समाप्त हो जाता है यहां पर सुविधा ऐप का सिस्टम अब हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज पर जिक्र आ रहा है राष्ट्रीय लेवल की न्यूज का 16th फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन के एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया है जिसका नाम है मनोज पांडा मनोज पांडे जी बन गए हैं एज अ मेंबर

स्टेट में कितना पैसा बटेगा इस शेयर को डिसाइड करना कमीशन का काम है ठीक है जी और इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें होता है एक चेयरमैन प्लस चार होते हैं इसमें मेंबर्स चार इसमें क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं और अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चे इनके अपॉइंटमेंट की तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है अपॉइंटमेंट करता है बच्चे बाय द प्रेजिडेंट और अभी जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन लगे हैं सिक्सटींथ चेयरमैन लगे हैं सिक्स चेयरमैन उनका क्या नाम है बच्चे अरविंद पनगड़िया चेयरमैन का नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया और उसके अलावा अगर मैं स्टैटिक जीके पे जाऊं स्टैटिक जीके पे जाऊं तो पहले फाइनेंस कमीशन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे बच्चे के सी न्योकी के सी न्योकी याद रखिएगा लो जी सो so, ये हमारा जो है ओवरऑल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है अब तो कुछ भी नहीं बचा मनोज पांडे ने एज अ मेंबर ज्वाइन कर लिया है एक चेयरमैन चार मेंबर्स एक मेंबर उसमें से है मनोज पांडे जी और क्योंकि निरंजन राधव राजा राजाधक्ष इन्होंने कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से जो है रिजाइन दिया उनकी जगह पर मनोज पांडे जी आ गए जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं उसके अलावा और मेंबर्स कौन है अजय नारायण झा एनी जॉर्ज मैथ्यू मनोज पांडा बागे और सौम्या कांति घोष सो ये चार मेंबर हैं याद रखिएगा बच्चे इस बात को ठीक है जी लो जी सो फाइनेंस कमीशन वाली भी हमारी न्यूज समाप्त हो जाती है विद हमारा पॉलिटी का रिविजन लो मेरे मित्रों अब हम आगे चलते हैं <coughs> लो जी शाबाश लो जी आगे चलते हैं बच्चे नेशनल लेवल की अगली न्यूज जिसमें जिक्र हो रहा है किसका मेरे मित्रों हमारे योगा डे का योगा डे बच्चे अंतरराष्ट्रीय योगा डे हम हर साल 21 जून को मनाते हैं अगर अब देखा जाए पचहत्तर या चौहत्तर दिन रह गए हैं और उससे पहले पुणे ने सेलिब्रेट किया है योगा महोत्सव योगा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है मेरे मित्रों पहल पहलकदमी करी गई है योगा डे को मनाने से पहले ही प्रोत्साहित कर दिया है लोगों को कि भाई योगा बड़ा जरूरी है योगा बड़ा जरूरी है इस वजह से पुणे ने सेलिब्रेट किया है हमारा योगा महोत्सव लो मेरे मित्रों सो यही है न्यूज कुछ नहीं है इसमें पचहत्तर दिनों का काउंटाउन है बच्चे और उसके इंटरनेशनल योगा डे से पहले पहले इन्होंने पुणे में पुणे में ये मना दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था योगा डे को अदरवाइज इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हम कब 21 जून को इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा के रख लेना सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है लो जी सो ये भी नेशनल लेवल की न्यूज समाप्त होती है अगली न्यूज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है बोलते कि हमारा जो फंडामेंटल राइट right है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल नंबर 21। उसका स्कोप को और वाइड कर दिया है उसके स्कोप को और जो है ब्रॉड कर दिया है और उसमें एक चीज डाल दी गई है वो चीज क्या है लो जी बोलते राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये भी एक हमारा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट डिवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बोलते क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अमीशन की वजह से जो पर्यावरण पर अफेक्ट पर रहा है और जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतता है पुअर लोग पुअर सिटीजन तो उसके ऊपर जो भी इसका परिणाम हो रहा है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट right है उससे बचने का इन सब से बचने का इन सब अफेक्ट से बचने का राइट जो है हमारा ये एक फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है बच्चे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को और वाइड कर दिया बहुत वाइड कर दिया राइट अगेंस्ट एडवर्स ऑफ ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला ठीक है जी याद रखिएगा बच्चे इस बात को ये न्यूज इतनी ही है है ना जी और उसके अलावा पर्यावरण के बारे में हमारे संविधान में कहां कहां पर लिखा गया है अब आर्टिकल 21 आ गया इसमें लिख दिया उसके अलावा हमारा आर्टिकल फोर्टी एट ए जो कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या बोलता है बोलता है स्टेट की ड्यूटी है कि क्या प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ को सेफ करना ये स्टेट की ड्यूटी है उसके अलावा हमारा आर्टिकल नंबर इक्यावन ए पार्ट जी जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें सिटीजन को बोला गया है कि भाई आप लोगों की भी ड्यूटी है कि हमारे नेचुरल एनवायरमेंट को फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स को बचा के रखना पर्यावरण के बारे में कहां कहां पे संविधान में लिखा हुआ है वो आपको बताया आर्टिकल अड़तालीस ए में लिखा है और आर्टिकल इक्यावन ए पार्ट जी में लिखा है उसके अलावा आर्टिकल इक्कीस में भी अब लिख दिया गया कि भाई ये फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट right है बच्चे इस बात को दिमाग में बिठा के रखना राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी लो मेरे मित्रों सो यहां पर हमारी सारी नेशनल न्यूज जो है समाप्त हो जाती हैं अब हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं बच्चे कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं रिवीजन क्योंकि जरूरी है रिवीजन में जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी क्या महाराष्ट्र महाराष्ट्र का एक टाउन है मेरे मित्रों जिसका नाम है मिराज टाउन मिराज टाउन में बनते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और वो दो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिसको जीआई टैग दे दिया गया है जीआई टैग एक्ट पास किया गया था साल 1999 में जीआई टैग है हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके वैलिडिटी रहती है बच्चे हमारी जब भी किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है वैलिडिटी रहती है दस साल की और इसमें जो मिनिस्ट्री uh, इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है याद रखिएगा इस बात को और जो दो हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको जीआई टैग दे दिया गया है महाराष्ट्र के मेरा टाउन में बनते हैं उसका नाम है मेरे मित्रों एक तो सितार और एक है हमारा न, सितार था और एक और था तानपुरा तानपुरा ठीक है जी सो ये दो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है रिसेंट टाइम में सितार और तानपुरा को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे सो ये भी आपकी न्यूज समाप्त हो जाती है चलते हैं अब हम अगली न्यूज पर अगली न्यूज कैटेगरी आई है बच्चे जिसमें जिक्र हुआ है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर का स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में देखते हैं क्या क्या खास आया है आज और कल वाले रिवाइज भी करने हैं हैं हमने लो जी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में सबसे पहले क्या है है बोलते कि हॉकी की जो टीम है, उसके जो नेशनल वुमेन्स टीम उसके कोच उनकी सिलेक्शन हुई है जिनका नाम है हरेंद्र सिंह इसको हम अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं पर इसको स्पोर्ट्स में डाल देते हैं क्योंकि स्पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है लो जी सो नेशनल वुमेन्स हमारी जो टीम है हॉकी की उसके हेड कोच अपॉइंट करे गए हैं हरेंद्र सिंह जो कि हमारे फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं इंडियन के और दोनों द्रोणाचार्य अवार्ड के साथ सम्मानित हैं द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको दिया गया है बच्चे फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हमारे और द्रोणाचार्य अवार्ड अवार्ड हैं हरिंदर सिंह और सिलेक्ट कर लिया गया इनको हॉकी इंडिया की तरफ से एज अ कोच ऑफ सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम याद रखिएगा बच्चे और इनकी अपॉइंटमेंट करी गई है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स तक जो कि थर्टी फोर्थ एडिशन वाली हमारी ओलंपिक्स होंगी

जिनकी रैंकिंग देखें तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रैंक इंप्रूव करी थी और अपनी हाईएस्ट रैंकिंग पे पहुंच गए थे 95 पर अभी एक और कारनामा इन्होंने किया बच्चे एक पहला मैच जो इन्होंने अभी जीता है बयालीस सालों में किसी इंडियन ने मैच जीता है कहां पे हमारे मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में मॉन्टी कार्लो मास्टर के सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच में इन्होंने हरा दिया है इटली के प्लेयर को जिसका नाम है मैट्रू अर्नाल्डी इसको हराकर और इतिहास रच दिया है भाई पिछले बयालीस सालों में कभी भी किसी प्लेयर ने इंडियन प्लेयर ने किसी को हराया ही नहीं है तो अब ये सुमित नागल जी ने काम कर दिया है बच्चे याद रखिएगा और ये ओनली थर्ड इंडियन है जिसने मेन ड्रा इन मोन्टी कार्लो इवेंट में पार्टिसिपेट किया है पहले थे विजय अमृतराज और दूसरे थे रमेश कृष्णन <coughs> याद रखिएगा बच्चे इस बात को और उसके अलावा सुमित नागल जी का नाम हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा सुना था ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने पहली बार इंडियन बने थे जिन्होंने किसी ने सीडेड प्लेयर को हराया था उसके बाद इन्होंने टेम्पेरे ओपन जीता है ओपन इन्होंने अपने नाम किया उसके अलावा इंडिया में इन्होंने चेन्नई ओपन जीता था है है ना और अभी इन्होंने जो ओपन में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अपनी बेस्ट रैंकिंग 95 पर पहुंच गए थे और अब आगे हम ये यहां पे है ना मोंटे कार्लो इवेंट में इन्होंने एक बंदे को हरा दिया जो कि बहुत बड़ी बात है लो जी क्योंकि किसी इंडियन ने अभी तक काम किया ही नहीं है लो जी सो ये न्यूज मात होती है यहां पे अब मेरे को यह बता दो भाई कि इंडियन टेनिस प्लेयर वो कौन से हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करे गए हैं दो नाम है बच्चे दोनों का नाम बताओ हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए दो इंडियन टेनिस प्लेयर उनका नाम क्या है आपके लिए सवाल है मिनट में आंसर लगाइएगा शाबाश आशुतोष वेरी गुड जी क्या नाम है विजय अमृतराज विजय अमृतराज और दूसरे हैं हमारे लियांडर पेस लियांडर पेस दो ही हमारे आज तक के खिलाड़ी हैं जो कि हॉल ऑफ फेम इंक्लूड किए गए हैं नाम है उनके लो जी सो ये भी न्यूज हमारी समाप्त हो जाती है हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर आज की यहीं पे समाप्त होती है कल वाले रिवाइज कर लेते हैं बच्चे रिविजन मेरे को बताओ कि हमारा जो भी हुआ था जैपनीज ओपन जैपनीज जापान ग्रैंड प्रिक्स इसको किसने जीता पहला सवाल आपके लिए ये आ गया एक हुई थी आई लीग फुटबॉल की लीग थी, क्लब क्लब मैच था। इसको किस क्लब ने जीता? दूसरा सवाल। दो सवालों का जवाब मेरे को एक मिनट से पहले लगा के दे दीजिएगा बच्चे बोलिए 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 शबाश बहुत बढ़िया जापानीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था मैक्स भैया ने मैक्स वर्सैपटन वर्सैपटन ने जीता है

जिनको उन्होंने हमारा ब्रांड ब्रांडर बनाया है एडम एडम शाबाश क्या नाम उनका एडम्स Adam, बहुत बढ़िया लो जी सो यहां पर स्पोर्ट्स वाला सीन हमारा समाप्त हो जाता है लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अवॉर्ड कैटेगरी और अवार्ड कैटेगरी में आज क्या आया है मेरे मित्रों सो पहली न्यूज आई है फिफ्टीन सी आई डी सी विश्वकर्मा अवार्ड की फिफ्टीन सी आई डी सी विश्वकर्मा अवार्ड जिसमें हमने कुछ देर पहले हमने क्या किया था कि इसकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीन थी उसमें किसने जीता था भाई ये अवार्ड वो था एस सतलुज जल विद्युत निगम और अब इसकी एक अलग कैटेगरी है बच्चे जिसका नाम है अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कि जिसने सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन करी है और इस कैटेगरी में दिया है अवार्ड गेल को सो गेल इंडिया लिमिटेड ने इस वाली कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया है क्या बनाया ब्रॉनी गुवाहाटी नेचुरल गैस गैस लाइन प्रोजेक्ट के लिए ब्रॉनी निभाने के लिए जो है गेल को ये 15th विश्व कर्मा के साथ सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग को दिया गया है याद रखिएगा इस बात को अगर गलती की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा बच्चे विश्वकर्मा अवार्ड अगर कैटेगरी आ गई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वहां पे एस का नाम लिखना है अगर आगे बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तब वो उसको गेल को मिला है और गेल एक महारत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है ठीक है जी बहुत बढ़िया शाबाश सो ये न्यूज बच्चे आपकी यहां पर समाप्त होती है पहली हमारी अवार्ड लेटर न्यूज में और दूसरी अवार्ड लेटर न्यूज में आ रहे है क्या इसमें आता है बच्चे एक प्राइज इसका नाम है फ्रीडम प्राइज ये जो फ्रीडम प्राइज है बच्चे जर्मन की सरकार देती है किसको देती है उन लोगों को देती है जिन्होंने अपना पर्सनल पैशन दिखाया हो करेज दिखाया हो और लोकतांत्रिक वैल्यूज के आ, को लोकतांत्रिक वैल, लोकतांत्रिक वैल्यूज को बचाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया हो रशिया का यह बंदा था बच्चे जिसका नाम था अलेक्सी नवेलनी रशियन रजीम अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ इन्होंने बोला और इनको पहले जेल में डाला गया और जेल में ही इनको मौत मिली अब ये नहीं पता कि कैसे मिली बट ऐसा हुआ तो इस वजह से अलेक्सी और उनकी वाइफ यूलिया नवलनी को किया किया जाता है जर्मन सरकार की तरफ से फ्रीडम प्राइस। फ्रीडम प्राइस के साथ सम्मानित जा रहे है बच्चे इनको। याद रखिएगा अलेक्सी और उसकी वाइफ यूलिया नवलनी, लो जी फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया फ्रॉम लीडिंग जर्मन फोरम समिट में उनको ये प्राइज दिया जाना है और ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को एनुअली जो पब्लिक फिगर्स हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करी हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए डायलॉग को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए ठीक है जी जी so, सो दो आपके जो न्यूज न्यूज अवार्ड रिलेटेड यहां यहां पे समाप्त हो जाते हैं यहां पर लो जी, अब मेरे को यह बता दो कल भी हमने करा था अवार्ड लेटर न्यूज और अवार्ड रिलेटेड न्यूज में कल आया था अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन का नाम उन्होंने हमारे एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर को फेलोशिप का अवार्ड दिया था उसका नाम क्या है उस डॉक्टर का नाम क्या है बच्चे बताओ फेलोशिप अवार्ड दिया था उन्होंने कौन से डॉक्टर को इंडियन डॉक्टर को वट इज द नेम बताओ शाबाश वेरी गुड क्या नाम था उनका बच्चे रघु राम रघु राम था उनका नाम बहुत बढ़िया लो जी सो यहां पर ये भी जो है न्यूज आपकी समाप्त होती है कैटेगरी पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है और अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ साइंस एंड टेक की तरफ से देखते हैं आज क्या न्यूज आई है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज डे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे यही मानूंगा मैं एक ही न्यूज आई है साइंस एंड टेक में पर है बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि टाटा हमारा पहली निजी कंपनी वाली निजी कंपनी का जो है आ, पहली निजी कंपनी हमारे भारत की बन गई है टाटा जिन्होंने अपना एक बनाया हुआ अर्थ और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा है स्पेस में ठीक है जी सो so, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत की तरफ से छोड़ा गया है और यह बना है भारत की तरफ से पहला निजी क्षेत्र का सैटेलाइट जिसका नाम इन्होंने रखा है टी डी एस टी टी सेट टी सेट वन ए सैटेलाइट और इसको बनाया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने इन कलेबोरेशन विद सेटेलॉजिक कंपनी जो कि यूएसए की कंपनी है और हवा में इसको छोड़ दिया गया है और इसके लिए जो रॉकेट इन्होंने यूज किया है स्पेस एक्स का किया है स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फेल्कन नाइन उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने इसको कक्षा में छोड़ दिया है बच्चे हमारे धरती की कक्षा में ठीक है जी ऑर्बिट में छोड़ दिया है इन्होंने पहला सैटेलाइट इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बच्चे नाम इसका नाम टी सेट वन ए दिमाग में बिठा लीजिएगा बच्चे पक्का 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 क्वेश्चन आएगा ये पक्का क्वेश्चन आएगा ये देख लेना आप ठीक है जी सो so, अभी तक सिर्फ इसरो ही छोड़ता था और अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी आ गई हैं और अब इसको छोड़ा है हमारी टाटा ने सो टाटा ने बच्चे एक कलेबोरेशन किसके साथ करी थी सेटोलॉजिक कंपनी जो कि यूएसए की है उसके साथ मिलके कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट से स्पेस एक्स के फेल नाइन रॉकेट को यूज करके कक्षा में छोड़ दिया लो मेरे मित्रों याद रखना है इस न्यूज को ये टाटा वाली को बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है अब आपसे पूछे जाएंगे मैं दो तीन सवाल जो कि बड़े ज्यादा जरूरी हैं निजी क्षेत्र में इंडिया की तरफ से इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट का नाम बताओ प्राइवेट रॉकेट का नाम बता दो जी इंडिया की तरफ से निजी क्षेत्र का और इंडिया की तरफ से सेकंड प्राइवेट रॉकेट है उसका भी नाम बता दो और दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट क्षेत्र का लैंडर जिसने मून पर लैंड कर दिया है मून पर लैंड कर दिया है उसका नाम क्या है तो तीन सवाल है आपके लिए बताओ मेरे मित्रों लो जी जरूरी है बच्चे वाह क्या बात है सो so, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था विक्रम वन और विक्रम वन को किसने छोड़ा था स्काई रूट स्पेस ने स्काई रूट स्पेस ने और दु, दु, दुनिया का हमारे भारत का सेकंड रॉकेट था जिसका नाम था अग्नि बाण और अग्नि बाण किसने छोड़ा था कुल प्रा, अग्निकुलस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने और दुनिया का पहला प्राइवेट लैंडर जिसका नाम था उडेसियस उडेसियस और इसको छोड़ा था इंट्यूटिव टूटिव मशीन इन टूटिव मशीन जो कि दुनिया की पहली कंपनी बन गई है प्राइवेट कंपनी जिन्होंने मून के ऊपर लैंड कर दिया है और ये यूएसए की कंपनी है याद रखना लो जी सो ये भी हमारा हो गया और टाटा वाली न्यूज भी हमारी हो गई है दो चार सवाल कल के साइंस एंड टेक के से हम पूछे जाएंगे आपसे जरूरी है क्योंकि लो जी सो पहला है सवाल आपके लिए हमारे सी जिनका नाम है अनिल चौहान उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है पहला सवाल आपके लिए लो जी दूसरा सवाल एक हमने लक्षद्वीप आइलैंड में लक्षद्वीप आइलैंड में एक हमने एक्सरसाइज करी है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है बता दो जी, का नाम क्या है बता दो और इस एक्सरसाइज में इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी कस्टम्स और हमारे जो भी मेरी पुलिस जो भी एजेंसी इन्वॉल्व हैं उन सबका जिक्र हुआ है बता दो जी दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपके लिए है जी उस इंडियन नेवल शिप का नाम क्या है जिसको इंडियन नेवी की तरफ से ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट साइटेशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने मेरे मित्रों एक शिप को बचाया था जिसका नाम था उमरा ईरान की वो शिप थी लो जी वेरी गुड पहली बच्चे आई परिवर्तन कवच परिवर्तन 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 क्या था वो हाँ परिवर्तन चिंतन शाबाश परिवर्तन चिंतन दूसरा जो एक्सरसाइज करी थी बच्चे उसका नाम था सागर कवच और आईएनएस शारदा था बच्चे वो आईएनएस शारदा जिसको शिप बचाने के लिए ऑन द स्पॉट साइटेशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया था ठीक है जी सो so ये आपके कल के के साइंस एंड टेक न्यूज जो हमने कल करे थे जरूरी हैं ये भी याद रखना शोबाश लो जी अब हम आगे चलते हैं अगली कैटेगरी में आ रही है बच्चे बुक्स एंड ऑथर कैटेगरी बुक्स एंड ऑथर कैटेगरी में आज एक बुक आई है बच्चे बड़ी खास द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जिसको निकाला है किसने सैम पिट्रोडा ने सैम पिट्रोडा जो कि बोले जाते हैं कि ये जो पॉलिटिकल गुरु हैं किसके राहुल गांधी के सैम so की नई किताब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है खास करके इंडिया और यूएसए में उसका पतन होता जा रहा है ठीक है जी सो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रिलीज करी और सैम पिटरोडा बहुत फेमस पर्सनैलिटी इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन के पितामा सैम पिटरोडा को बोला जाता है और ये फाउंडर और पहले चेयरपर्सन भी थे इंडियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन के कमीशन के और फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन का खिताब भी किसको जाता है हमारा सैम पिटरोडा को बोला जाता है और येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए होता है मस्टर्ड के लिए ठीक है जी सो so, याद रखना इस बात को भी सैम पेट्रोडा की लो जी अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तीन तीन किताब लिखूंगा आपको उसके ऑथर का नाम बताना है पहली आ गई ब्रेकिंग द मोल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड किताब किसने लिखी दूसरी आ गई फोर स्टार्स ऑफ डेस्टनी लिखी तीसरी आ गई हमारी किताब जो हमने कल भी करी थी क्या था हाँ निकल नहीं करी थी सन ये किताब किसने लिखी अभी रिसेंट ही ये किताब लिखी गई है बताइए सो तीन किताबें हैं तीनों का नाम ऑथर का नाम बताइए बच्चे क्या बात है जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश लो जी ब्रेकिंग द मोल्ड किताब लिखी है रघु राम राजन, राजन जी ने और अगर फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की किताब की बात करूं तो एम एम नावणे जी ने लिखी है और अगर बात की जाए स्वेलिंग द सन ये किसने लिखी थी लक्ष्मी पुरी लक्ष्मी पुरी जो कि हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के उनके बीवी हैं उनके द्वारा यह किताब लिखी गई थी याद रखिएगा बहुत बढ़िया शबाश एंड गलबात लो जी सो यह भी आपकी कैटेगरी बुक्स एंड ऑथर वाली समाप्त होती है अब चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए की न्यूज ए की न्यूज की तरफ चलते हैं बच्चे और ए में बहुत ही खास न्यूज आई है जो आई है ओपन ए की तरफ से ओपन ए जिन्होंने चैट जीपीटी बनाई ओपन ए जिसके सीईओ है सैम एल्टमैन सैम एल्टमैन वही जिसको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था टाइम्स मैगजीन की तरफ से उसी ओपन ए ने बच्चे एक ऐसी आविष्कार करना है रिलीज करना है अभी देखो रिलीज करने से पहले आपको ये न्यूज दे रहा हूं मैं कोई नहीं दे रहा ये न्यूज हम दे रहे हैं सो so, रिलीज करने से पहले बच्चे उन्होंने एक सॉरी रिलीज करना है अभी वॉइस इंजन ओपन ए का एक नया ए आई टूल वॉइस इंजन ये वॉइस इंजन की जो है खासियत क्या है इस वॉइस इंजन की खासियत ये है कि ये किसी भी भाषा में और किसी की भी वॉइस को रेप्लीकेट कर सकता है मिमिक्री कर सकता है कोई मर्जी उठा लो पर्सनैलिटी उठा लो कोई आम इंसान उठा लो उसको एक बार सुनेगा है ना उसको जज किया उसकी आवाज को मिमिक करेगा उसको रेप्लिकेट करेगा किसी भी भाषा में तो ये है वॉइस इंजन ओपन एआई का बच्चे बहुत जरूरी बात है याद रखिएगा ओपन एआई ओपन ए कंपनी ने वॉइस इंजन निकालना है जो कि रेप्लीकेट करेगा कोई भी वॉइस किसी भी भाषा में ऑडियो सैंपल ऐड करेंगे वॉइस इंजन उसको जज करेगा फिर अपनी जनरेट कर देगा ऑडियो लो जी सो so ये है इनका ओपन ए रिलीज होना है अभी येट टू बी रिलीज फॉर पब्लिक यूज बट क्या क्या करेगा रीडिंग असिस्टेंस हमें देगा हमारे कंटेंट को ट्रांसलेट कर देगा और जो अपनी वॉइस खो चुके हैं उनकी वॉइस को रिकवर भी कर देगा और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बच्चे फेक न्यूज वाला सीन होता है मिस हो जाता है किसी भी पब्लिक फिगर की वॉइस को आ, आ, कुछ भी मोल्ड करके बोल देगा लोगों को गुमराह किया जा सकता है प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे इससे रेगुलेशन इसकी कोई है नहीं सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं आपको याद रखना है ओपन ए आई के वॉइस इंजन वॉइस इंजन याद रखना लो जी ओपन ए आई की ये न्यूज समाप्त होती है अब आगे उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं बच्चे कि ओपन ए आई और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों ने मिलकर ना दुनिया का सबसे पावरफुल ए आई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाना है उसका नाम क्या है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसमें इन्होंने हंड्रेड बिलियन डॉलर खर्चने हैं दोनों ने मिलकर करना है उसका नाम क्या था प्रोजेक्ट का यह आपके लिए सवाल है बहुत गलत यूज हो सकता है बच्चे इसमें कोई दो राय नहीं है गलत यूज तो बहुत हो सकता है इसका शाबाश, वेरी गुड जी इरावत नहीं स्टारगेट क्या था बच्चे प्रोजेक्ट का नाम स्टारगेट स्टार गेट, स्टार गेट प्रोजेक्ट है बच्चे वो, स्टार गेट प्रोजेक्ट अपने दिमाग में फिट करके रखना इस बात को ठीक है जी शाबाश बहुत बढ़िया लो जी सो ये भी न्यूज आपकी समाप्त हो जाती है आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे अगली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है मिसलेनियस न्यूज कि जो किसी कैटेगरी में नहीं फिट हो रही उसको हमने मिसलेनियस में डाल दिया और ये मिसलेनियस यह मिसलेनिय क्रॉसिंग की जिसका नाम है एरेज क्रॉसिंग ये जो एरेज क्रॉसिंग है ये आप सभी को पता होगा इसराइल का मैप पहले हम इसराइल के मैप की तरफ चलते हैं इसराइल का मैप जिसमें पेलिस्तीन की अगर बात करते हैं फेलेन दो भागों से बना हुआ है वेस्ट बैंक और हमारा गाजा पट्टी और गाजा पट्टी के लोग अगर फेलस्तीन वाले वेस्ट बैंक में जाना चाहते हैं तो उनको एक क्रॉसिंग जो है पार करनी पड़ती है जो यहां पर है इसराइल और गाजा में एरिस क्रॉसिंग जो कि पिछले कई सालों से बंद थी और अब इन्होंने ये खोल दी है और फॉर द एड बस इतनी सी न्यूज है बस ये आपको कैटेगरी में याद रखना है है ना जी सो यहां पर आपके सारे थोरेटिकल करंट अफेयर समाप्त होते हैं बच्चे और अब टाइम है एमसीक्यूज का एमसीक्यू राउंड स्टार्ट होने वाला है और एमसीक्यू राउंड स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करिएगा और इसको जरूर शेयर करिएगा बच्चे क्योंकि चलो छोड़ो बढ़े सो so, पहला आता है आपकी स्क्रीन पर। Here it is. ये वाले न्यूज़ को कल मैं करंट में कवर करूंगा इकोनॉमिक इन्होंने एक इंडेक्स बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इस रैंकिंग में टॉप पोजीशन किसने हासिल करी है जिसके बिजनेस एनवायरमेंट को सबसे बेस्ट माना जाता है यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो इधर करो आके बोलते हैं। वो कौन सी कंट्री है हिंट देता हूं आपको ये वो कंट्री है जिसके अभी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम था रत्नम शनमुग रत्नम हाँ प्रेसिडेंट का नाम था इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं वो सिंगापुर इज द करेक्ट ऑप्शन शबाश सिंगापुर कंट्री है बच्चे जो कि सबसे बेस्ट मानी गई है कल इसको करंट करंटफेस में आ, आ, डिटेल में कवर करेंगे अगला सवाल ई e एल आई एनपी नामक दुनिया के सबसे पावरफुल लेजर कौन सी कंट्री में लॉन्च करी गई है ये बताओ इसराइल ब्रिटेन रोमानिया रशिया बोलिए वेरी गुड क्या है बच्चे रोमानिया नाम है उसका लो जी अगला सवाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एआई बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया था उसका नाम क्या है देखो देविका हो नहीं सकती वो इंडिया का पहला ए आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंडिया फर्स्ट ए आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना मोहम्मद हो सकता है डेविन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दुनिया का पहला ए आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सारा भी हो सकता है मोहम्मद भी हो सकता है लड़की है तो मोहम्मद नहीं हो सकता तो आंसर आपका बनता है सारा ठीक है जी सो सारा है ए आई का डिजिटल हेल्थ प्रमोटर याद रखना इस बात को शाबाश बहुत बढ़िया अगला सवाल मिराज टाउन के ऐसे दो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग के साथ सम्मानित किया गया है वीना मृदनम सितार तानपुरा फ्लूट तबला हारमोनियम सरोड़ बताओ शाबाश वेरी गुड सो आंसर है बच्चे सितार और तानपुरा सितार और तानपुरा इज द करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल पंजाब का वो कौन सा जिला है जहां पर बूथ राबता नामक एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर ओ सॉरी oh जहां पर सिटीजन uh, को इलेक्शन के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी कौन सा जिला है वो वेरी गुड इसका नाम है मलेर कोटला मलेर कोटला इसका जिला है जो कि पंजाब का सबसे नया जिला है थर्टी ट्वेंटी थर्ड जिला बना है वो है ना याद रखिएगा अगला सवाल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई सत्यनड़ैला सैम पिट्रोडा सुंदर पिचाई शशि थरूर शाबाश वेरी गुड क्या आंसर आएगा बच्चे सैम पित्रोडा सैम पित्रोडा ने किताब लिखी है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी अगला सवाल पहला इंडियन टेनिस प्लेयर कौन हुआ है बयालीस सालों में जिन्होंने मैच जीत लिया है मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में रोहन रामकुमार मुकंद या फिर सुमित शबाश नाम है सुमित नागल वेरी गुड बच्चे कमाल अगला सवाल यहां पर बच्चे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जिम्बाब्वे कंट्री ने अभी अपनी एक नई नए करेंसी लॉन्च करी है जो कि गोल्ड बैग्ड है है ना जी स्वर्ण समर्थित मुद्रा है उसका नाम क्या है जिम्बाब्वे की सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जिम्बाब्वे जिसके प्रेसिडेंट का नाम है इमेनुअल इमरसन सॉरी इमरसन मनानगवा इमरसन मनानगवा है ना जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल है हरारे जिम्बाब्वे जिसकी हमने अभी न्यूज करी थी कि अब ये ड्रॉट को सूखे को सूखा नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे नेशनल डिजास्टर बोलेंगे क्योंकि एल नीनो की वजह से इनकी सारी मक्की की खेती खराब हुई तो इन्होंने नई करेंसी लॉन्च करी है व्हाट इज नेम जिम्बोल जिंदोलो जिग या फिर जोलू लगा दो तुक्का आंसर है बच्चे आपका करेक्ट ZIG. ऑप्शन ZIG लो मेरे मित्रों अगला सवाल टी सेट वन एटेलाइट जो कि टाटा और हमारी एक और कंपनी थी दोनों ने मिलकर बनाया है इसको कौन से एजेंसी ने हवा में छोड़ा नासा ने स्पेस एक्स ने सी एन ई एस ने या फिर इसरो ने अगला सवाल लो जी मेरे ख्याल से यहां पर सिस्टम हैंग ही हो गया है रिकनेक्शन सक्सेसफुल ये क्या हुआ ओके okay, बच्चे आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल ओके चलो जी सो so ये बच्चे सवाल आपका लास्ट है यूनाइटेड नेशन ना अभी भारत को बोला कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाओ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल, सभी के लिए बनाओ। और इसमें बोला कि आप पांच कंट्रीज के लिए बनाओ और उसमें से पांचों में से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है नेपाल श्रीलंका सेचल बांग्लादेश इसका आंसर क्या आएगा बच्चे वेरी गुड प्रेम संकरन शंकरण और आंसर है सेचलिस। सेचलिस का भाग नहीं है याद रखिएगा लो मेरे मित्रों सो तो इसी के साथ आपका आज का का एक और एपिसोड सिद्धू टॉक्स समाप्त हो जाता है आई होप आपको मजे आए होंगे बहुत बढ़िया और आपने चीजें सीखी भी होंगी और मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा है ना क्योंकि क्वालिटी आपको इस करंट अफेयर की कहीं नहीं मिलने वाली है और हम बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं है ना के करवाते हैं एमसीक्यूज करवाते हैं सब कुछ सो so, डेली इलेवन एम लगाना मत भूलेगा और आपके जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन जरूर करिएगा और वहां पर हम आपको फाइल विद एनोटेशन सेव करके भेज देते हैं ठीक है बच्चों बच्चो थैंक यू सो मच देवेंद्र सिद्धू साइनिंग ऑफ बाय बाय